ऑलराइट, जैसा कि आपने इससे पहले वाला वीडियो में देखा, जो कि मेरा था सेकेंड वीडियो इस आज की शनिवार की शाम को, या फिर शनिवार के पूरे दिन की जो बकचोदी थी उसका जो दूसरा वीडियो था, वो मैंने इस नोट पे ख़त्म किया था कि मैं खाने का सामान जो है वो घर लेकर आ रहा हूँ। और ये तीसरा वीडियो जिसमें हम उस खाने की अनबॉक्सिंग करेंगे और फूड रिव्यू करेंगे। तो जुड़े एक और बकचोदी भरे वीडियो में आपका स्वागत है। 13 जून 2020 हो रही है आज शनिवार, और लगभग 7:30 बज गए। काफ़ी टाइम मैंने बाहर गुजार लिया, तो मैंने सोचा कि चलिए अब डिनर का टाइम हो गया है, कुछ आपके साथ भोग लगाते हैं। तो जैसे मैंने दिखाया कि मैं तीन चीज़ें लेकर आया हूँ आज। पहली, 13 तारीख, सेम चाय जैसे मैंने कि पहले भी हॉकर सेंटर से लेकर आया हुआ हूँ, बस थोड़ी सी जैसे आप किसी ब्रांडेड शॉप में कोई चीज़ पीजिए, स्टारबक्स से लेके कैफे कॉफी डे, वैसे को समझ लीजिए। यहाँ पे टोस्ट बॉक्स करके चीज़ है वहाँ की, ये 13 तारीख, सेम चाय, पुल्ड टी बेसिकली। बट मुझे इसका स्वाद एटलीस्ट बेट मतलब कंपेटिवली थोड़ा बेटर लगता है कंपेयर टू जो यूजली बाकी चाय मिलती हैं। ये रहा आपका 13 तारीख। जो दूसरी चीज़, इसका दाम बता देता हूँ मैं। यूजली मैंने जितना भी आपका 13 तारीख अभी तक दिखाई है हॉकर सेंटर से लेते हैं, उसका यूजली दाम जो होता है वो 1-1.2 डॉलर्स टाइप्स होता है। ये जो है यहाँ पे पड़ती है आपकी 1.9 डॉलर्स, तो लगभग हो गया आपके 100 रुपये कि ये चाय। और साथ में जो बहुत ही बेहतरीन चीज़ लगती है मेरे को, और मैंने सोचा कि चलिए आज आप लोगों के साथ खाते हैं, ये देखिए फायर फ्लॉस कहते हैं, ब्रेड टॉक नाम की शॉप है, जो जैसा कि आपने देखा ब्रेड टॉक नाम की शॉप है जहाँ से मैंने ये उठाया है। बेक्ड बन एग क्रीम के अंदर फिलिंग है। मैं एक बार रुके, पहले एक बाइट लेता, बहुत ज़्यादा तड़प मच रही है मुझे बाइट लेने की, उसके बाद मैं अंदर आपको पोस्टमार्टम करूँगा उसका। भाई, और आप नॉनवेज खाते हैं क्योंकि ये जो ऊपर की फीलिंग है वो गिर रहा है काफी कुछ, बट ये आपके पोक के फ्लॉस हैं, तो इसलिए अगर आप वेज खाते हैं तो ऑब्वियसली आप क्लीन नहीं। अगर आप पोक खाते हैं तो ये ऐसी चीज है जो मतलब यार काफी गंदगी हो रही है मेरे टेबल पे। बट एग क्रीम की ऊपर लेयर, और ओके मैं अंदर आपको, यार अंदर दिखाने का मन तो नहीं कर रहा मेरा अब। ये देखिए यार अंदर खो गई है वो लेयर, वो भी अगेन एग क्रीम की लेयर है, बट बहुत ही बेहतरीन। मतलब अगर आप सिंगापुर आ रहे हैं ये मिस मत करिएगा। ब्रेड टॉक मतलब बहुत फेमस, मतलब दिस सोल्ड, मैं पढ़ा था इन्होंने मिलियंस, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने सेल कर रखे हैं फिलहाल तक, काफ़ी फेमस चीज़ है इसकी। तो अगर आप इंडिया, अगर आप सिंगापुर आ रहे हैं तो ब्रेड टॉक से ये फायर फ्लॉस चीज़ मिस मत करिएगा। अच्छा, शाम का स्नैक्स आपका चाय और साथ में ये फायर फ्लॉस दो लेके आया हूँ। इनकी कीमत जो थी सिंगल पीस आपके 2.2 डॉलर्स, यानी हो गया लगभग 110 रुपये। तो मैं दो लेकर आया हूँ, एक खाऊंगा एक बाद में खाऊंगा, बाद मतलब इस वीडियो के बाद। चाय भी अच्छी होती है, अभी गर्म है क्योंकि मैंने बस ली थी वीवो सिटी मॉल से निकलने के बाद घर तक आने, तो मुश्किल से मुझे 10 मिनट टाइम लगता है, तो काफी हद तक चाय अभी भी गर्म। चलिए ये जो बचा हुआ पीस है इसको सर्व कर दूँ। थोड़े से हाथ गंदे हो गए, अब आते हैं जो हमने मेन अपना खाना मंगाया है, खाना लेकर आए हैं, मतलब आज तो मंगाया नहीं हमने। फ्राइड प्रॉन्स नूडल्स, छोटे, ओ भाई क्या प्रॉन्स,
देख रहे हैं आप। मतलब प्रॉन, मतलब सी फूड ऐसी चीज है ना, मतलब अगर आप शौकीन हैं तो। कटोरा लेके बैठा हुआ मैं भगवान, कटोरा के लिए। ये देखिए नींबू का छोटा भाई काट के उन्होंने दिखा हुआ है, कलामांसी कहते हैं यहाँ पर। काफी ज्यादा खट्टा। ओ मैन, चलिए इसको साइड कर देते हैं, नूडल्स को कूदते हैं। ये देखिए, एक बार मैं कैमरा उठा के आपको दिखा देता हूँ। देखिए इन्होंने अलग से मिर्ची दे रखी है, प्रॉन्स दिख रहे हैं मेरे को, एग दिख रहा है, रुके रख देते हैं आराम से। ये देखिए मैं कह रहा था, और थोड़ी हट के नूडल्स, मतलब यूजली आपने इंडिया में जो हमारी, अगर आप देख रह पा रहे हो तो बिल्कुल ही सूखी नूडल्स नहीं है ये, काफ़ी ज़्यादा, मतलब काफी ज्यादा नहीं, जैसे अपने आप मैगी बनाते हैं ना, थोड़ा सा पानी बचा देते हैं, बिल्कुल वैसा सीन। ओ काफी, बिल्कुल बहुत ही कम स्पाइसी नूडल्स। ओ नाइस, मतलब एक अच्छा सा एग का फ्लेवर, एक अच्छा सा आपका कढ़ाई में पका हुआ वोक का जो फ्लेवर आता है वो आ रहा है। एक काम है, तो मैं जो ने स्पाइस दे रखी है, मिर्च है, वाकई में मिर्च है, इसको थोड़ा मिक्स करते हैं। और नीचे देखिए अब कितना, ओहो नीचे काफी ज्यादा ड्राई, काफी ज्यादा लिक्विड गीला है। अच्छा स्वाद, अच्छा स्वाद, काफी सूखी, बहुत ज्यादा सूखी नहीं, जैसे यूजली मुझे लगता है इंडिया में अपने, अगर हम नूडल्स खा देंगे, नूडल्स के नाम पे हमेशा ड्राई नूडल्स होती है, बट ये थोड़ी सी लिस लिसी, अंग्रेजी में हिंदी में कहेंगे, और अंग्रेजी में थोड़ा सा मतलब समझ रहे ना, ग्लूई फ्लेवर टेक्सचर के साथ। कलामांसी दिया हुआ है, एक काम करते हैं। नाइस, ओके आप देखिए, भाई खट्टा, अब खट्टा टेस्ट आया। और ये देखिए प्रॉन्स, सी फूड भाई मजा आता है। अच्छी क्वांटिटी, मैंने मीडियम साइज लिया था, जैसे मैंने आपको दिखाया था, पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा, बट स्क्विड। ये देखिए स्क्विड, नाइस। अंडे का ऑमलेट, अंडा यूज किया गया है और कढ़ाई में पका हुआ है, तो इसके कारण देख रहे हैं आप एक ब्राउन सा टेक्सचर आ चुका है अंडे का। मैं ऐसे टेस्ट करता हूँ ना इसको, क्यों उसमें सिंपल प्लेन अंडा, कुछ उसमें एडिशनल नहीं था। थोड़ा प्रॉन्स के, अच्छा लग
मैंने जो मिर्च जो दी थी इन्होंने वो मैंने ऐड कर लिया, अब आ रहा है तीखापन मजेदार। चलिए प्रॉन्स और करते हैं। मुझे देख लो भाई, ये झोले से मुझे कम नहीं है इसकी भाई की, देख रहे हैं आप। फिर से एक मूछ आ गई भाई की। बहुत ज्यादा मुझे भूख भी लग रही है, कि जैसे मैंने आपको दिया था मैं लगभग 3 बजे घर से निकला था सुबह का नाश्ता कर गया 3 बजे। जी हाँ 3 बजे मेरा नाश्ता हो रहा था, शनिवार का दिन है तो ऐसी हाल होते हैं कभी कभार। और लगभग जी लगभग 7:30 हो, उस दौरान अच्छी खासी भूख लगी, काफ़ी ज़्यादा मैंने वॉक किया तो अच्छी खासी भूख लग गई है। भाई अच्छा खासी प्रॉन्स, आई थिंक मेरा ये चौथा प्रॉन्स है और 5 प्रॉन्स दे रखे इन्होंने, नाइस। ये देखिए ये आखिरी 5वां प्रॉन्स है। इस प्रॉन्स की बाइट के साथ इस वीडियो को विराम दूंगा। आई होप ये आपको पूरी फ्राइड प्रॉन नूडल्स की बकचोदी पसंद आई होगी और पूरे शनिवार की 3 वीडियोस की जो ये बकचोदी आई वो भी आपको शायद तो पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो झोले को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रोमिंग झोले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे बकचोदी और ऐसे फूड और ट्रैवल वाले वीडियोस आते रहेंगे आगे भी। मैं एक चीज़ ढूंढ रहा था इसमें, हाँ ये देखिए हरी प्याज, हरी प्याज डालने का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्कैलियंस कहते हैं। चलिए अपने को जो प्रॉन्स दिख जाए तो थोड़ा और नहीं बढ़ाते हैं कलामांसी। चलिए एक अच्छी खासी बाइट लेते हैं। प्रॉन्स भी है, प्रॉन्स तो नहीं है स्क्विड है। ये देखिए चलिए इस नोट के साथ इस वीडियो को विराम देता हूँ, मिलता होगी आपको नए सफरनामे पर, तब तक घूमिया वाला।